सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर में पांकी के विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता के मौर्य फार्म हाउस में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किए। मौके पर विधायक ने कहा कि अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। इस दौरान विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी के मन की बात भी सुनी गई। साल के 2022 के आखिरी मन की बात थी। उन्होंने सभी को नए साल की खूब मौज मस्ती के साथ बिताने की बातें कही। इस दौरान कोरोना से सतर्क रहने की भी बातें कही। इस दौरान पाकी विधानसभा के कई योजनाओं की भी आधारशिला विधिवत पूजा अर्चन के साथ रखी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य रूप से बच्चन ठाकुर, लाला प्रसाद यादव, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष छोटेलाल सोनी, लाखो देवी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। नीलांबर पीताम्बरपुर से राशिद अनवर की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 98वां जन्मदिवस के अवसर पर बांकी विधानसभा में 93 योजनाओं का हम लोग शिलान्यास का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके लागत 2,31,00,000 रुपए है। इसमें पीसीसी के पथ का निर्माण, नाली निर्माण, छठ घाट, श्मशान शेड, विवाह मंडप, चार दीवारी, चबूतरा आदि यह योजना है। इसका हम लोग आज यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये जितने ही योजना हैं यहाँ से जिन साथियों के साथ मिल करके गांव में इस योजना को पूरा करना है, वो तमाम लोग यहाँ से अपने गांव में ले जाएंगे। और ऐसे कल से इसको जिस स्थल पर हम लोगों को कार्य करना है उस स्थल पर ऐसे इसको हम लोग एक फुट करेंगे, मतलब वहाँ लगाएंगे। लगाने के बाद हम लोग 5-5, 7-7 योजना को एक एक दिन में ऐसे जा करके गांव में हम लोग शिलान्यास करेंगे, जिसकी सूची हम लोग कहाँ कब करना है हम लोग खबर करेंगे। और संपर्क में रह करके आप लोग इसको जब व्यवस्थित हो जाता है तो हम लोग लगाने के बाद इसी प्रकार से कवर करके रखेंगे, नारियल लड्डू रखेंगे हम लोग। इसके बाद शिलान्यास विधिवत करके इसको हम लोग कार्य शुरू करेंगे। और मेरी इच्छा है कि ये चूंकि जिस कारण से भी हो काफ़ी विलम्ब हम लोग हो गए हैं इस योजना को विधायक मद की राशि को ये करने में, इसलिए इसको हम लोग चाहेंगे कि ये शिलान्यास के बाद 15 से लेकर 20 जनवरी तक इसको हम लोग पुनरावृत्ति कर देंगे, कंप्लीट काम कर देंगे। और उतना करने के बाद फिर आगे हम लोग फिर आगे के जो ये योजना है 21-22 का और 22-23 का योजना को हम लोग फिर इसको टेकअप करके इसको हम लोग जितना स्पीड में हो सके करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एक आप लोगों को सूचना के लिए बताना चाहेंगे कि जितने भी ये सो करीब 5,000 है सो हमारे महिला बहनों का स्वयं सहायता समूह है, उन तमाम समूहों को हम लोग विधायक मद की राशि से हम लोग सिलाई मशीन देने जा रहे हैं। और सिलाई मशीन दे करके उनको हम लोग स्वावलंबन बनाने के लिए, उनको महिला सशक्तिकरण की ओर ले जाने के लिए एक यह कार्यक्रम हम लोग का मिल का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में हम लोग उनको सशक्त बनाने का काम करेंगे। तो इसी क्रम में है सो आज हम लोग इसको शुरुआत किए हैं। कोरोना का कारण बहुत सारा कुछ योजना सो देर हो गया, लेकिन अब जो है जो स्पीड हम लोग है सो ये किए हैं उस स्पीड के अनुसार हम समझते हैं कि लटकने वाला अब नहीं है, ज़्यादा दिन लंबा नहीं खींचना है।